बैठे हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा, सर से बात करेंगे कि क्या स्कीम है। नमस्कार सर, धान लगानी है। भारत संकल्प यात्रा है ये, आपने यहाँ पर कैंप लगाया हुआ है। आपका कौन सा विभाग है, क्या क्या आप काम करते हैं? ऐसे जी, ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार और हरियाणा सरकार के संयुक्त प्रयास से हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन हरियाणा में चल रही है, और इसके तहत जो ग्रामीण क्षेत्र में गरीब परिवार हैं, गरीब परिवार में जो महिलाएं हैं उनको जोड़कर स्वयं सहायता समूह का गठन किया जाता है। इसके तहत सर क्या उनकी कोई फाइनेंशियल सहायता की जाती है, क्या किया जाता है? बिल्कुल सर, इसमें सबसे पहले तो गरीब परिवार की जो महिलाएं हैं उनको ग्रुपों में जोड़कर उनको सबसे पहले उनको बचत करने, क्योंकि गरीब आदमी जो है वैसे बचत नहीं कर सकता, समूह से जुड़ के वो छोटी छोटी अपनी बचत वो कर सकता है। उसके बाद हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से भी और बैंक की तरफ से भी उनको लोन के तौर पर आर्थिक सहायता यानी उनको दी जाती है। सर ये भी सुना है कि इस स्कीम के, इस योजना के तहत प्रशिक्षण भी दिया जाता है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, किसी प्रकार का जो भी हमारे बेरोजगार अनएम्प्लॉयड पढ़े लिखे युवक और युवतियाँ हैं 18 से 35 साल की जिनकी उम्र है, तो उनको हम अन्य विभागों से टाई अप करके उनका जो जिस प्रकार का वो प्रशिक्षण चाहते हैं उस प्रकार का प्रशिक्षण हम उनको दिलवाते हैं। ये जो प्रशिक्षण होता है ये निःशुल्क होता है? बिल्कुल सर, ये सरकार की तरफ से बिल्कुल निःशुल्क, यानी कि वहाँ पर रहने का, खाने पीने का भी ये सरकार की तरफ से वहन किया जाता है। थैंक यू सर। और ये भी आगे आप देख सकते हो प्रदर्शनी लगी हुई है, यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ पर प्रदर्शनी लगी हुई है तो मैम से बात करते हैं कि क्या है ये प्रदर्शनी, क्यों लगा रखी है, क्या उद्देश्य है? सर ये महिला एवं बाल विकास विभाग की स्टॉल है और इसमें हमने जो प्री स्कूल भी दिखाया हुआ है और जो हमारी ट्रेडिशनल चीजें हैं वो दिखा रखी हैं, जो बच्चों के लिए, बच्चों को हम सिखाते हैं उनको दिखा के रंगों का ज्ञान, फलों का ज्ञान करवाया जाता है। तो इस तरह से उनके हैंडमेड ट्रॉय पेपर से, या फिर जैसे कि ये हमने बनाया हुआ है ऊन से, वो कपड़े से बनाया हुआ है, इस तरह की एक्टिविटीज बच्चों को सिखाने के लिए कि किस तरह सिखाई जाती है वो बना के डिस्प्ले की गई है। और साथ के साथ हम अपने विभाग की जो दो स्कीम है, मातृत्व वंदना योजना और आपकी बेटी मेरी बेटी, उसकी जानकारी भी लोगों को दे रहे हैं ताकि हरियाणा गवर्नमेंट की जो स्कीम्स की जानकारी है ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोग उनका लाभ उठाएं। प्रधानमंत्री मातृवंदना, सर ये प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, इसका अब सेकंड वर्जन लॉन्च हुआ है जो PMMVY 2.0 के नाम से। और पहले इस स्कीम के अंदर केवल गर्भवती महिला जो पहली बार गर्भवती होती थी, चाहे वो किसी भी कास्ट की हो, उसको गवर्नमेंट की तरफ से गर्भावस्था देखभाल और शिशु देखभाल के लिए 5,000 रुपये सरकार की तरफ से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत दिए जाते थे, और अब इस स्कीम को एक्सटेंड कर दिया गया है जिसके अंतर्गत पहले बच्चे पे तो लाभ है ही है, अगर दूसरे गर्भावस्था में बेटी पैदा होती है तो उसके लिए भी 6,000 का लाभ गवर्नमेंट जो है वो दे रही है। और ये पोर्टल के थ्रू जो है इसका रजिस्ट्रेशन होता है इन फॉर्म्स का, जो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर करती है, और उसके बाद जो है डिटेल फिल करने के बाद सरकार की तरफ से 6,000 रुपये सेकेंड बेटी के लिए और फर्स्ट बेटी के लिए 5,000 रुपये महिला एवं बाल विकास के थ्रू और जननी सुरक्षा योजना के थ्रू हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से 1,000 रुपये दिए जाते हैं। सर वो इसका एक ये प्रोसेस है, जैसे आंगनवाड़ी वर्कर रजिस्टर करेगी बेनिफिशियरी को, उसके बाद सुपरवाइजर के पास वेरिफिकेशन के लिए जाता है, देन CDPO अप्रूवल, देन वो SNO के पास जाता है, वहाँ डॉक्यूमेंटेशन अगर सही होगी तो साथ के साथ ही इसकी जो है अकाउंट, जो आधार बेस्ड अकाउंट है उसमें जो है बेनिफिट बेनिफिशियरी को मिल जाता है। थैंक यू सर। तो जो मैम ने अभी अभी स्कीमें बताई हैं, मैं आपको बता दूं कि मेरे भी पहली बेटी पैदा हुई थी तो मेरे को दोनों स्कीमों का लाभ मिल चुका है। तो आगे देखते हैं।